वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं बस्तर द नक्सल स्टोरी के ट्रेलर में। और अगर अभी तक आपने इसके टीजर पे हमारा रिएक्शन नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए दोस्तों चलते हैं ट्रेलर पे, फिर डिस्कस करते हैं आगे। इंडियन माओइस्ट ISIS और बोको हरम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। बस्तर का रेड एक्शन दिल्ली को हिला के रख दिया है। 76 कुत्ते मारे हमने। भगवान अपनी सबसे कठिन लड़ाई अपने सबसे शक्तिशाली सिपाहियों को देता है। मैडम निज्जर, आवर 76 बॉयज गॉट बुचर्ड। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? आप। व्हाट? ऑनरेबल होम मिनिस्टर। 76 CRPF जवान्स should get 76 crores. पाकिस्तान के साथ हुए चार युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। भारत सरकार का तिरंगा फहराने का साहस कैसे हुआ? दिल्ली के लाल किला पर लाल झंडा फहराने के लिए, भारत देश पर माओइस्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए। खून के नदियां तो बहेंगी। एक नया इंटरनेशनल फोरम बन रहा है। इंडिया की नई ताकत को रोकना जरूरी है, और इंडिया के खिलाफ हमसे इफेक्टिव पार्टनर और कौन होगा? एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। 600 करोड़। मैंने अपना पति के साथ साथ अपना बेटा भी खोया है। हर घर से एक बच्चा उनको देना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाया है उन्होंने। मना कर देते ना सबको मार देते। पूरा इकोसिस्टम आज मेरे अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन नक्सलियों को छोड़ूंगी नहीं इस बार। मिर्जा को ऐसा जवाब देना होगा कि साली दिल्ली सरकार की गोटियां कांप जाए। 100 years ऑफ कम्युनिज्म एंड 100 million डेट। पूरे बस्तर में से आप कोई भी गांव सेलेक्ट करिए और चलिए मेरे साथ बिना सिक्योरिटी के, और देखते हैं वहां से जिंदा वापस कौन लौटता है, आप या मैं। गांव वाले डिसाइड करेंगे निर्दोष कौन है और गुनेगार कौन है। दम जय हिंद। रिलीजिंग ऑन 15th March, बस्तर द नक्सल स्टोरी। दोस्तों ये था ट्रेलर बस्तर द नक्सल स्टोरी का। मूवी अगर पूरी फैक्ट्स पे है जैसा कह रहे हैं डायरेक्टर और टीम, और देखिए जो लोग इस रीजन में होंगे छत्तीसगढ़ या जिन्होंने ये सब देखा होगा तो वो भी जानते हैं कि काफी हद तक वो कुछ कुछ चीजें उसमें बहुत एग्जैक्टली दिखाई है, क्योंकि मैं खुद भी काफी छत्तीसगढ़ में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, आना जाना रहा है, वहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त फ्रेंड्स फैमिली हैं, तो मुझे भी पता है कि ये छत्तीसगढ़ ये जो नक्सल समस्या है ये रियल है, और जो इसमें दिखाया गया है वो काफ़ी कुछ चीज़ें रियल हैं। और देखिए दोनों तरफ से कुछ थोड़ा बहुत वो होता है, तो अपन एक वर्डिक्ट इस पे नहीं देते कि कौन सही कौन गलत। हम सिर्फ एक मूवी देखते हैं, मूवी को देखने के बाद हम अपने फैक्ट्स पे रिसर्च करते हैं कि भाई सही क्या, उसके बाद हम अपना जो भी व्यू रहता है वो डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा, अदा शर्मा की एक्टिंग बहुत अच्छी है, देखने में बहुत अच्छा एक्टिंग कर रही है वो। केरला स्टोरी के बाद इसमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है उनका रोल, और जिस तरीके से इसमें दिखाया दर्शाया गया स्टोरी तो वो भी काफ़ी अच्छे से दिखाया है। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी ये मूवी आती है आप इसको OTT पे देखने की बजाय इसको सीधे आप थिएटर में देखिए। थिएटर में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, मूवी आपको अच्छी लगेगी देखने में भी। और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, आपका क्या सोचना है नक्सल समस्या पे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए। और दोस्तों वन मोर थिंग, आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको किस वीडियो या किस चीज़ पे आप रिएक्शन चाहते हैं, तो हम वो भी आपको देंगे। और अगर अभी तक आपने दोस्तों हमारा स्वतंत्र वीर सावरकर पे रिएक्शन नहीं देखा है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही होगी, इसमें से जाके आप देख लीजिए तो आपको वो भी पसंद आएगा। दैट बी सेइंग दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइबिंग।